करीब 7000 साल पुराना हड़प्पन सिविलाइजेशन का फिर से खुलेगा राज। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोज निकाला है करीब 5000 साल पुराना ज्वेलरी फैक्ट्री। हरियाणा की राखीगढ़ी में खुदाई के दौरान हड़प्पन काल के करीब 50 कंकाल मिले हैं, जिसकी पहचान डीएनए सैंपल के थ्रू की जाएगी। इसी के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी कुछ और चौंका देने वाली बातें सामने आई हैं। नमस्कार, मैं हूं शिखा गर्ग। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई की तरफ से हरियाणा के राखीगढ़ी में खुदाई का काम चल रहा है। राखीगढ़ी जो कि दिल्ली से केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर है। राखीगढ़ी हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी धरोहर है। हरियाणा के राखीगढ़ी को आइकॉनिक साइट के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा साइट है और 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसी के साथ चार और साइट को भी विकसित किया जाएगा, जिनके नाम ये हैं: हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, शिवसागर जो कि असम में है, ढोलावीरा जो कि गुजरात में है और अदिचौनालूर जो कि तमिलनाडु में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हुए इस खुदाई में कई चौंकाने वाले अवशेष मिले हैं। 7000 साल पुराने इस शहर में साफ सफाई, सड़कें, ज्वेलरी, खिलौने, बर्तन से लेकर डीएनए सैंपल के थ्रू कंकालों के भी सबूत मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल डॉक्टर संजय कुमार मंजुल का कहना है कि राखीगढ़ी करीब 11 टीलों पर बना है और इन्हीं 11 टीलों के नीचे खुदाई के दौरान हड़प्पन काल के पुराने शहर का होने का सबूत मिला है। उनके अनुसार फिलहाल टीला नंबर 1, 3 और 7 की खुदाई चल रही है। टीला नंबर 1 की खुदाई में स्मार्ट सिटी की झलक दिखती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट साउथ के आधार पर है। एक्सपर्ट्स और रिसर्च टीम के अनुसार इंडस वैली सिविलाइजेशन बेहद ही डेवलप्ड शहर रहा होगा, क्योंकि इनकी टाउन प्लानिंग आज की स्मार्ट सिटी की प्लानिंग जैसी है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि 7000 साल पुराना ये शहर हस्तिनापुर से जुड़ा है और राखीगढ़ी के लोग ही हस्तिनापुर वासियों के पूर्वज थे। खुदाई में मिले जानकारी के अनुसार हड़प्पा काल के घरों में ड्रेनेज सिस्टम थे, चौड़ी सड़कें थी, मल्टी टीयर हाउसेस थे, यानी 3-4 मंजिले मकान थे। इन मल्टी टीयर हाउसेस में बेहतरीन डिजाइन और फर्नीचर के साथ सारी सुख सुविधाएं थी और साथ ही किचन भी था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ 5000 साल पुराना ज्वेलरी फैक्ट्री खोज निकाला है, जो कि पिछले 32 सालों से चल रहे इस खुदाई कार्यक्रम की ये सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। यहाँ ज्वेलरी फैक्ट्री का मिलना ये दर्शाता है कि ये जगह व्यापार और कारोबार का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा होगा। हड़प्पा काल में कॉपर और गोल्ड से बने कई ज्वेलरी भी मिले हैं, जो हजारों सालों से छुपे हुए थे। साथ ही वहाँ एक रथ भी खोजा गया है, जो श्रेष्ठ योद्धाओं की संस्कृति की ओर इशारा करता है। इस खुदाई में हजारों मिट्टी के घड़े, रॉयल सील, बच्चों के खिलौने भी मिले हैं। राखीगढ़ी पर हुए इस खुदाई से ये साफ पता चलता है कि हड़प्पन सिटी एक वेल प्लान्ड सिटी था। यहाँ बड़ी मात्रा में पत्थरों के अवशिष्ट मिले हैं, जो कि काफी कीमती हुआ करते थे। यहाँ के सड़कों की चौड़ाई करीब 2.6 मीटर हुआ करती थी। ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ दिशा में 18 मीटर तक इसकी गलियां जाती थी। यहाँ जली हुई ईंट की दीवार भी मिली है। टीला नंबर 7 की खुदाई में हड़प्पा काल के शवों के अंतिम संस्कार के सबूत भी मिले हैं। अभी तक 3 टीलों की खुदाई में कुल 50 कंकाल मिल चुके हैं। पिछले दिनों हुए खुदाई में 2 महिलाओं के नए कंकाल भी मिले हैं। इन कंकालों के पास खाने के बर्तन, चूड़ियां, क्ले पॉट, खिलौने, मिट्टी के हाथी, सोने की अंगूठियां, पत्थर का माला, गोल्डन इयररिंग्स मिले हैं, जो कि ये दर्शाता है कि उस समय भी अंतिम संस्कार काफी विधि विधान से किया जाता था। आखिर क्या है इस शहर का गायब होने का राज? इस प्रोजेक्ट के रिसर्चर सौरभ का कहना है कि खुदाई में मिले जानकारी के अनुसार इस शहर के गायब होने का कारण कोई बाहरी हमला नहीं है, बल्कि ये माना जा सकता है कि पानी की कमी के कारण ये शहर विलुप्त हो गया। ये भी माना जा रहा है कि 500 हेक्टेयर में फैला यह शहर एक बिजनेस सेंटर रहा होगा, क्योंकि यहाँ की क्ले पोएट्री में गुजरात, बंगाल, कश्मीर की नायाब कलाकारी देखने को मिली है। यानी ये जगह एक व्यवसायिक केंद्र था, जहाँ कई तरह के बिजनेस हुआ करते थे। जल दर्शक हरियाणा की राखीगढ़ी में करीब 7000 साल पुराना हड़प्पन सिविलाइजेशन का झलक देख पाएंगे। दरअसल हरियाणा सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिलकर एक म्यूजियम तैयार किया है। इस म्यूजियम में इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी इस खुदाई में मिले सामान को दर्शकों के लिए रखा जाएगा। इस म्यूजियम का मेन पर्पस फ्यूचर जनरेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड के बारे में अवेयर करना है।